एनसी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आरजेडी अपना 28वां स्थापना दिवस आज यानी 5 जुलाई को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में मनाएगी। आपको बता दें कि इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत अन्य सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद यादव पार्टी में आने वाले विधानसभा को लेकर हुंकार भरेंगे। एफआई इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज खुलने वाला है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को बंद होने वाला ये इश्यू 51.27 करोड़ रुपए का एक बुक बिल्ड इश्यू है। कंपनी ने इश्यू का प्राइस बैंड 78 से 82 रुपए प्रति शेयर ये तय किया गया है, जिसमें एक एप्लीकेशन के लिए 1600 शेयरों का न्यूनतम लॉट साइज है। रिटेल इन्वेस्टरों के लिए न्यूनतम निवेश राशि 1,31,200 रुपए है। आज यानी 5 जुलाई को बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि आज 5 जुलाई को हरगोविंद सिंह जी की जयंती है, जिसके कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी। हालांकि ये छुट्टी देश के सभी राज्यों में रहने वाली जहां ये जयंती मनाई जाएगी, सिर्फ उसी राज्य में बैंक बंद रहेंगे। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा समारोह का आज जागरण के साथ आगाज होगा। आपको बता दें कि मुख्य कार्यक्रम 7 जुलाई को रथ यात्रा की नगर परिक्रमा होगी। इसमें भगवान जगन्नाथ जी के साथ बलभद्र और सुभद्रा माई की भी मूर्तियां रहेंगी। आज लॉन्च होगी दुनिया की पहली सीएनजी बाइक। आपको बता दें कि बजाज आज दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को पेश करेगा। इस लॉन्च कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि होंगे, जो भारत में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। बता दें कि इसे लेकर कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आगामी सीएनजी बाइक की झलक दिखाई है। वेब सीरीज मिर्जापुर 3 आज यानी 5 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। बता दें कि गैंगस्टर ड्रामा पंकज त्रिपाठी, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, विजय वर्मा, रसिका दुग्गल स्टारर सीरीज का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। रात 12 बजे सभी एपिसोड स्ट्रीम किए जाएंगे। भागलपुर के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा आज श्रावणी मेले की तैयारी की समीक्षा करेंगे। बता दें कि समीक्षा के दौरान सभी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, निदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, एसएसपी आदि से तैयारी को लेकर जानकारी लेंगे। इन अधिकारियों को विगत वर्ष की तैयारी की प्रोसेडिंग भी साथ रखने को कहा गया है। तलवाड़ा में पीएम श्री राव मावी कुपड़ा में आज यानी 5 जुलाई को प्रतिभा सम्मान पुरस्कार वितरण, पौधरोपण और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह आयोजित किया गया है। बता दें कि समारोह के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन। नवाडी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज यानी 5 जुलाई को आजसू पार्टी द्वारा हल्ला बोल आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मिश्रीलाल महतो ने कहा कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये आयोजन किया गया है। झारखंड में आज यानी 5 जुलाई तक राज्य के सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। आपको बता दें कि इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि झारखंड के उत्तरी भाग समेत राज्य के पश्चिमी बंगाल से सटे इलाकों में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1877 में आज के दिन अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवित्री तोरू दत्त का निधन हुआ था। साल 1994 में आज के दिन इजराइल अधिकृत जेरिको में फिलिस्तीनी सुशासन की औपचारिक शुरुआत हुई। साल 1995 में आज के दिन भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्म हुआ था। साल 1998 में आज के दिन पीट सम्प्रास ने 5वीं बार विंबलडन का एकल खिताब जीता था। साल 1999 में आज के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तालिबान पर प्रतिबंध की घोषणा हुई थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।